हेलो एवरीवन दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा तो हमने स्टार्ट किया था क्लास एट साइंस का फिफ्थ चैप्टर विच इज कोल एंड पेट्रोलियम हमने कोल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलता है हम टू वर्ड से फैमिलियर होंगे कौन कौन से पेट्रोल और डीजल ये पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलते हैं ये हमें एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम ठीक है ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये कहाँ से आया इसे डिराइव किया गया टू वर्ड से कौन कौन से पेट्रा एंड ओलियम पेट्रा का मतलब है रोक क्यों क्योंकि पेट्रोलियम जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉक्स के बीच में से और ओलियम का मतलब है ऑयल क्योंकि पेट्रोलियम एक ऑयल है ठीक है एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ अच्छा प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि कोयला कैसे बना अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम कैसे बना देखो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उससे क्या बना पेट्रोलियम लेकिन कैसे जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो क्या होता है इनकी जो बॉडीज है वो समुद्र के बॉटम पर जो समुद्र का बेस है वहां पर सेटल हो जाती है ठीक है फिर धीरे धीरे क्या होता है उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स जमा होनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होगा सेम वही बात रिपीट होगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा और जो एयर है उसका भी एब्सेंस हो जाएगा ठीक है टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ने से फिर क्या होगा धीरे धीरे ये जो डेड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर ठीक है समझ में आया नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है वाई द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अब दैट ऑफ वॉटर पेट्रोलियम ऑयल और गैस की जो लेयर है वो पानी से ऊपर क्यों होती है जनरल सी बात है क्योंकि वो हल्की होगी वाटर से ठीक है बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट आप डायग्राम में भी देखिए यहाँ पर क्या है वाटर नीचे है ऑयल और गैस की जो लेयर्स हैं वो वाटर के ऊपर हैं क्यों क्योंकि वो लाइटर होती हैं वाटर से ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग किसे कहते हैं देखो रिफाइनिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो भी अनप्लेजेंट होती है ठीक है ये जो पेट्रोलियम है ये कई सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है जैसे पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स ई तो जिस प्रोसेस की हेल्प से इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं रिफाइनिंग ठीक है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग और ये जो रिफाइनिंग है ये कहाँ की जाती है इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी ठीक है समझ में आया रिफाइनिंग किसे कहते हैं देखो ये जो पेट्रोलियम है ये कई सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है तो उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए पेट्रोलियम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला है एलपीजी विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये तो हम सबको पता है कि एलपीजी का यूज हम अपने घर पर करते हैं किचन के अंदर ठीक है एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं ना जिनका यूज़ हम कुकिंग के लिए करते हैं या फिर एलपीजी का यूज इंडस्ट्रीज के अंदर होता है सेकेंड वन इज पेट्रोल पेट्रोल का इस्तेमाल हम अपनी गाड़ियों में करते हैं एज अ फ्यूल या फिर एविएशन फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है या फिर सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं वो भी पेट्रोल का यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए ठीक है थर्ड वन इज़ केरोसिन केरोसिन कहाँ यूज़ होता है इसे एज ऑफ फ्यूल यूज किया जाता है स्टोव के अंदर लैंप्स के अंदर या फिर जेट एयरक्राफ्ट के अंदर ठीक है डीजल डीजल को भी एज ऑफ यूज करते हैं फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल तो अगर ये ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है तो किसके लिए यूज होगा ल्यूब्रिकेशन के लिए हम अपने मशीन्स में कई बार एक ऑयल लगाते हैं जो किसका काम करता है ल्यूब्रिकेशन का ताकि मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से वर्क कर सकें नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ होता है ऑइंटमेंट्स के अंदर जो मलहम आती है कैंडल्स के अंदर वेस्लिन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है ठीक है एंड द लास्ट वन इज बिट्यूमिन बिट्यूमिन का यूज होता है पेंट्स के अंदर या फिर रोड सरफासिंग के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रोड को स्मूद किया जाता है ठीक है तो उसके अंदर भी बिट्यूमन का यूज होता है नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस नेचुरल गैस क्या है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्यों क्योंकि इसको हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जब हम नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं तो वो क्या बन जाती है सी स्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड क्यों कहा क्योंकि इसको प्रेशर लगा के कॉम्प्रेस किया जाता है तो वो क्या बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी जो है उसको यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग जो सी है वो हम सबको पता है व्हीकल्स के अंदर यूज की जाती है क्यों क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग है बहुत कम पॉल्यूशन कॉज करती है इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है ठीक है तो क्लीनर फ्यूल किसको कहा गया है सी को सी का एक एडवांटेज यह भी है कि इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने होम्स में या फिर फैक्ट्रीज में क्यों क्योंकि ये वहां पर पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है ठीक है नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मेटीरियल फॉर द मैन्युफेक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स केमिकल्स को बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी मटीरियल यूज किया जाता है is, कुछ नेचुरल रिसोर्सिस ऐसे होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कोल और पेट्रोलियम भी उन्हीं में से एक है कोल और पेट्रोलियम क्या है ये फॉसल फ्यूल्स है यानी ये किससे बने हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो उन डेड ऑर्गेनिजम्स को कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं इसीलिए कहा गया कि ये जो फ्यूल्स हैं कोल और पेट्रोलियम ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ठीक है यानी ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एग्जॉस्ट हो सकते हैं खत्म हो सकते हैं इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीस फ्यूल्स नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो क्या होगा एयर पॉल्यूशन कॉज होगा कई सारे एयर पॉल्यूटेंट्स एमिट होंगे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड भी उन पॉल्यूटेंट्स में से एक ऐसी गैस है जो क्या करती है ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे राइज कर देगी ठीक है इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली वैन एब्सोल्यूटली नेसेसरी 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 टू टाइम्स आ गया यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट है तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि ये जो फ्यूल्स हैं एक तो ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दूसरा अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल हमें तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ठीक है क्लियर इन इंडिया पेट्रोलियम कॉन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल या फिर डीजल वाइल्ड ड्राइविंग पीसीआर ने कुछ टिप्स दिए हैं जिनकी हेल्प से हम पेट्रोल या फिर डीजल को सेव कर सकते हैं ड्राइव करते वक्त फर्स्ट वन इज ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रखें और मॉडरेट रखें मॉडरेट का मतलब क्या है ना ज्यादा कम होनी चाहिए स्पीड ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए ठीक है मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए नेक्स्ट इज स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स जहां पर ट्रैफिक लाइट्स आए इंजन को स्विच ऑफ कर दो और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट जहां पर आपको वेट करना पड़ रहा है वहां पर भी आप इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर जो टायर प्रेशर है वो भी सही होना चाहिए एंड द लास्ट वन इज एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल जो अपना व्हीकल है उसको भी रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए ठीक है सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल